हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? दुआ करते हैं खुदावन से कि आप सब खैरियत से हों, अपने घरों में, अपने बाल बच्चों में। आज हम शादियों वाली कुंडा खीर बनाएंगे, जिसके लिए हमने दूध लिया हुआ था। एक किलो 700 ग्राम के करीब दूध था हमारे पास, जिसको हमने रिड्यूस होने के लिए रख दिया हुआ था चूल्हे पे। आधा पौना घंटा हो गया इसको ऊपर रखे हुए। ये देखे, फुल क्रीम मिल्क था हमारे पास। चावल एक कप हमने मोटे वाले चावल लेके हमने बॉयल कर लिए थे, ना मोटे हों तो दूसरे वाले भी ले सकते हैं, हमने बॉयल कर लिए हुए थे। तो ये देखे, दूध हमारा हो गया बॉयल। इसमें हम डालते हैं अपने चावल। चूल्हे को मैं करती हूँ आहिस्ता, ताकि दूध बाहर ना गिरे। इसमें हम डालते हैं अपने बॉयल हुए हुए चावल बड़े आराम के साथ, ताकि छिट ना पड़े। चलें अब इसको हम पकाते हैं और इसको अच्छी तरह से हम इसको में मैश कर लें, फिर आपके से मिलते हैं। व्यूअर, खीर हमारी ये देखें थिक होने पे आ गई है। अब हम इसमें डालते हैं चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक। कम डालनी हो तब भी ठीक है, ज़्यादा डालनी हो तो तब भी ठीक है। मैंने दरमियाना सा मीठा रखा है, ना कम ना ज़्यादा। इसको पकाते हैं अच्छी तरह से और थोड़े से इसमें डालते हैं लवाजमात, इनको भी पकाते हैं। ये बादाम है, पिस्ता है, इलायची के दाने हैं। हम डालेंगे इसमें खोया, ताकि मेल्ट हो जाए। अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोई अच्छी तरह से घुल जाए बीच में। देखिए व्यूअर्स, खीर हमारी हो गई है रेडी। ये देखें इतनी थिक है, ये देखें बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, बिल्कुल शादियों वाली, जो हम शादियों पे जाके खाते हैं ना, वही वाली है और वही रेसिपी है, वही चीज़ें हैं। चावल, चीनी, दूध आधा सुखा लिया था हमने और आधे में हमने बॉयल चावल एक कप डाले थे, एक कप चीनी डाली थी हमने, बादाम डाले हैं, पिस्ता डाला है। हाँ व्यूवर, मैं बताना आपको बताऊं कि मैंने 2-3 चम्मच बीच में क्रीम भी डाली है, खोया डाला है। और अब ये हो गई है रेडी, इसको हम करते हैं डिश आउट। ये हो गया हमारा कुंडा और ये कुंडे वाली खीर। इसको साफ़ करके डालते हैं। ये मीडियम सी आंच पे हमने हल्की आंच पे इसको पकाया है, बिल्कुल भी दिया देखें बिल्कुल नहीं लगी नीचे, साफ सुथरी। इसके ऊपर हम डालते हैं अपना और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडी होगी तो इसके ऊपर इतनी प्यारी सी मोटी सी मलाई वाली लेयर आ जाएगी। चले जी व्यूअर, आप भी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। व्यूअर ये देखें, इसके ऊपर जो मलाई बनी है ना, वो देखें, ये देखिए, ये देखिए कितनी थिक सी मलाई इसके ऊपर बनी है। अब ये मैं अपनी एक बेटी को चेक कराती हूँ, इसको ये बहुत पसंद है।